Good morning, student. Today we will discuss about food. Food. Why do we need food? We need food to get energy. हमें food की आवश्यकता क्यों होती है? Energy लेने के लिए. हमारा body part हर हमेशा काम करते रहता है. सोते हुए भी हमारे कुछ body part काम करते रहते हैं. Like lungs, heart. ये सभी सोते हुए भी काम करते रहते हैं और काम करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है. वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड से. हम लोग जो चपाती खाते हैं, समोसा खाते हैं, वो सभी फूड है. बट उसमें जो यूजफुल सब्सटेंसेस है, द यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट. इट मीन्स फूड इज मेड अप ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट. यानी न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है. तो अभी हम लोग देखेंगे ये पोषक तत्व क्या है. सभी डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट डिफरेंट अमाउंट में मौजूद होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट. व्हाट इज न्यूट्रिएंट? जनरली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. ये दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. दैट मींस वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट लाइक राइस, व्हीट, पोटैटोज. फिजिकल लेबर, इन्हें काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है क्योंकि ये शारीरिक वर्क ज्यादा करते हैं. शारीरिक वर्क ज्यादा करने की वजह से इन्हें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है. और वो एनर्जी कहाँ मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से. और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी तो मिलती ही है और कार्बोहाइड्रेट से दुगना एनर्जी फैट में है. बट कार्बोहाइड्रेट ही हम लोग लेते हैं क्योंकि फैट से एक मोटा लेयर बन जाता है और वो जन्म देता है ओबेसिटी. इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कार्बोहाइड्रेट लेना. दैट मीन्स एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट. और दूसरा न्यूट्रिएंट है प्रोटीन. प्रोटीन मीन्स इसे प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. इट मीन्स इट हेल्प्स इन बिल्ड आवर बॉडी. व्हेन आवर बॉडी पार्ट्स टूट फूट जाते हैं तो ये रिपेयर करने का काम करता है प्रोटीन. जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो जब कभी हमारे चोट लग जाते हैं और उसका मसल्स कट जाते हैं, वो सारे ब्लीड हो जाते हैं, तो उस अवस्था में डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं प्रोटीन ले. दाल, ये मिलता है दाल में, मीट में, फिश में. ये हमारे बॉडी पार्ट को रिपेयर करता है, यानी रिपेयरिंग का काम प्रोटीन करता है. तीसरा है फैट्स. फैट्स ये भी एनर्जी गिविंग फूड है बट ये दोगुना मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट से दोगुना मात्रा में एनर्जी देता है. बट इसे प्रेफर हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे स्किन के नीचे एक लेयर चढ़ा देता है और हमारे मोटापा को बढ़ा देता है, जिस कारण इसे हम लोग लेना प्रेफर नहीं करते हैं. ये मिलता है ऑयल में, घी में और वाटर, ये सभी चीजों में ये सब फैट्स मिलता है. अब आइए विटामिन. ये प्रोटेक्टिव फूड है. ये हमें डिजीज से, विटामिन एंड मिनरल्स ये डिजीज से लड़ने में मदद करता है. ये बोथ्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव मींस कहने का मतलब कि ये हमें रोगों से बचाता है. जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और मिल्क. मिल्क इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट फूड. इट मीन्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क इन अ स्मॉल अमाउंट, सो वी कॉल मिल्क इज कंप्लीट फूड.
एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इस तरह हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाने। न्यूट्रिएंट में विटामिन है वो बहुत प्रकार का है, ए बी सी डी ई के भी होता है, बट ये जनरल ये काफी यूजफुल विटामिन है। जैसे विटामिन ए की कमी से, विटामिन की कमी से हमें बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से हमारा डल आई स्किन डलनेस हो जाता है। तो ये विटामिन ए का काम है कीप्स द आईज एंड स्किन हेल्थी, यानी हमारे आंख और स्किन को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी गुड फॉर मसल्स एंड नर्व्स, ये हमारे मसल्स और नर्व्स को मजबूत करता है। एंड विटामिन सी मेक अ स्ट्रॉन्ग गम एंड हील्स आवर वुंड हील्स आवर यूड वुंड फास्ट, यानी कि हमारे जो घाव है वो जल्दी भरते हैं और ये हमारे गम को यानी मसूड़ा को मजबूत करता है। विटामिन डी मेक्स स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स, ये हमारे बोन्स और टीथ को मजबूत बनाता है। ये विटामिन ए पाया जाता है एप्पल में, और विटामिन सी पाया जाता है आंवला नींबू। विटामिन डी ये सनलाइट में भरपूर मात्रा में मिलता है। और मिनरल्स जो हम लोग देखें, जिसमें कुछ मिनरल्स है जो जैसे आयोडीन सोडियम आयरन कैल्शियम, ये हमारे बोन और टीथ बनाते हैं। ये सभी मिलते हैं कर्ड में, मिल्क चीज सॉल्ट। कुछ मिनरल्स है जैसे आयरन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जो हमारे ब्लड बनाने के काम में आते हैं। ये एप्पल कैरोट बनाना ये सभी में मिलते हैं। ये तो हम लोग देखें न्यूट्रिएंट। सबसे पहले जानेंगे ये न्यूट्रिएंट, तो हम लोग जान गए क्या है, किस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मिलते हैं, किस फूड में ये न्यूट्रिएंट मिलते हैं। और ये सभी के पहले हम पढ़ेंगे डाइट, जो जिन्हें हम आहार भी कहते हैं। वी ईट फूड डेली, यानी हम लोग जो खाना खाते हैं डेली, वी ईट फूड डेली इज कॉल्ड डाइट, यानी हम लोग जो डेली खाना खाते हैं वो डाइट कहलाता है। और बैलेंस डाइट क्या है, जिनमें सभी न्यूट्रिएंट एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में पाया जाता है, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। All nutrient are present in right amount is called balanced diet. It means आहार और संतुलित आहार। आहार मनी डेली जनरली हम लोग खाना खा लेते हैं वो आहार कहलाता है, लेकिन बैलेंस डाइट हमें हेल्थी रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट सही अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी खाना चाहिए, पल्स भी खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल है वो भी लेना चाहिए, दाल जिसमें प्रोटीन है, घी कुछ मात्रा में भी लेनी चाहिए जिसमें फैट है। इस तरह से हम सभी फूड आइटम को खाएंगे तो हमें बैलेंस डाइट मिलेगा। हो गया थैंक्स मैम। थैंक्स मैम। हाँ रुको रुको। और इस तरह से हम लोग देखे कि इस तरह से हम लोग बहुत सारे मेन पॉइंट्स पे आज फोकस किए। उनमें है आप घर में
इसे डिफाइन कीजिएगा, डिफाइन दिस टर्म्स, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आप लोग घर में बैठे बैठे इस टर्म्स को डिफाइन कीजिएगा, टर्म्स न्यूट्रिएंट, डाइट, बैलेंस्ड डाइट, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, कंप्लीट फूड। मैं समझती हूँ ये सभी मेन पॉइंट्स पे आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे। थैंक यू।